बीच रायपुर से अहम खबर, जहां नक्सलियों ने सरकार से वार्ता को लेकर पर्चा फेंका है। अहम खबर आपको बता दें, जहां नक्सलियों ने सरकार से वार्ता को लेकर पर्चा फेंका। किस तरह का पर्चा, इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। वार्ता के संबंध में मैं विस्तृत चर्चा कर अपनी बात रखूंगा, इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मार्गदर्शन लूंगा। तो नक्सलियों ने सरकार से वार्ता को लेकर पर्चा फेंका है। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। वार्ता के संबंध में मैं विस्तृत चर्चा कर अपनी बात रखूंगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मार्गदर्शन लूंगा। नक्सलियों ने कही किसानों को दुगना दाम देने की बात। क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे, मैंने देखा है पत्र और इसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है मैं बताना भी चाहता हूं। एक बार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में ये हो रही है भाई, ये ध्यान में होना चाहिए। पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसानों के लिए लागत मूल्य से डबल में होना, ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा सबको ध्यान में रहे। बड़ी बहुत बड़ी संख्या के लिए हो रहा है। और कृषि की सब्सिडी है, ब्याज में ऋण, ब्याज में मुक्ति है, छत्तीसगढ़ में ब्याज नहीं लगता है किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर बहुत सारी चीजों की खरीदी हो रही है, ये सब कुछ हो ही रहा है, नहीं नहीं है। और विशेष बातें उन्होंने लिखी हैं कि विकास के कार्यों को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में, किसी गांव में अगर बिजली जा रहा है तो उसमें कॉरपोरेट कहां से आ रहा है, किसी गांव में अगर सड़क जा रहा है तो कॉरपोरेट कहां से आ रहा है, कॉरपोरेट का विरोध ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने फिर आता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस पत्र को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब ये पत्र लिखा गया तो ये भी मांग की गई कि किसानों को दुगना दाम दिया जाए। नक्सलियों ने एक बार फिर से पर्चा फेंका है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वार्ता की पहल कर रहे थे। उनके वार्ता की पहल पर यह कहा है नक्सलियों ने कि अब तक कोई बातचीत नहीं की गई, न तो वार्ता के लायक कोई वातावरण बनाया गया। इस पर अब प्रतिक्रिया उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी सामने आई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो किसानों को दोगुना कीमत देने की बात है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, साथ ही साथ विकास कार्यों को अवरुद्ध करने की जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं, सड़क बिजली पुल पुलिया से कारपोरेट का कोई संबंध नहीं है। जहां तक वार्ता को लेकर नीतिगत निर्णय की बात है, कब होगा, कैसे वार्ता की जाएगी, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से गृह विभाग के वरिष्ठ अफसरों से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेने की बात की। विभाग के वरिष्ठ अफसरों से चर्चा भी करेंगे, इसके बाद में इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट कहने की बात उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों ने एक बार फिर से पर्चा फेंक कर वार्ता को लेकर बात कही है अपनी कि अब तक वातावरण नहीं बनाया गया, और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वातावरण बनना चाहिए वो नक्सलियों की ओर से भी नहीं बन पा रहा। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ बातचीत को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से प्रतिक्रिया सामने आई नक्सलियों के भी, और साथ ही साथ विजय शर्मा ने भी कहा है कि अब इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे, नीतिगत निर्णय होगा, उसके बाद फिर कोई बातचीत होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा किस तरह का नीतिगत निर्णय होता है और किस तरह की बातचीत होती है और फिर ये सफल होती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। तो नक्सलियों ने कही है किसानों को दुगना दाम देने की बात। नक्सलियों ने सरकार से वार्ता को लेकर पर्चा फेंका है।